हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एम्स पटना की तरफ से एक और नई अपडेट आई है जिसको हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आई है, कैसे उसे हम कर सकते हैं। तो देखो, आपको जो एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, एक डेट पे आपका 19 अगस्त को एक पेपर हो चुका है, बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, तो उनके जो भी ऑब्जेक्शंस करने हैं आपको या देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक ओपन हुआ है। ठीक है, वो कैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। हम देखो, एम्स पटना के साइट पे जा रहे हैं। एम्स पटना के साइट पे हम गए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस दिख रहा है आपको। रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपका साइट खुल रहा है ये अभी, तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आप आओगे नीचे, तो यही वाला है हमारा फॉर्म और इसी पे हमें काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, लॉग इन टू व्यू सबमिट ऑब्जेक्शन फॉर्म, ये आपका जो लिंक आया है वो आज के दिन में आया है। इस पर आप क्लिक करके आपके जो पेपर हुए हैं वो आप देख सकते हो और अपना ऑब्जेक्शन भी सबमिट कर सकते हो। तो जिन भाइयों का पेपर हो गया, उन्हें कुछ ऑब्जेक्शन करना है, तो वो यहाँ से जाके अपना लॉगिन और पासवर्ड, जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे था, वहाँ से जाके आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड से, लॉगिन यूज़र डिटेल और पासवर्ड से डाल के आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको फिर एक ऑब्जेक्शन का दिखेगा, बटन दिखेगा साइड में कहीं पे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके फिर वहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो खोलने पे कैसा खुलता है, ये आपको ऐसे जनरली पता होगा। इस पे अब हम क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस करना है जो आपने एडमिट कार्ड के लिए किया था। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको ये सिंपली लॉगिन का बटन दबा देना है। अगर कहीं से आपको ये दोनों नहीं है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो, फॉरगेट से आप कर लेना। आप एक बार खोल के ज़रूर देखना, जिन्होंने भी पेपर दे लिया है वो एक बार खोल के ज़रूर अपना चेक कर लेंगे कि आखिर क्या है ऑब्जेक्शन में, आप कुछ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, या सब कुछ सही है। ठीक है, तो आई गेस ये कुछ आंसर की टाइप का होगा, उसमें आपको कुछ दे रखा होगा, उसमें आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक एक्टिव हुआ है तो जाके देख लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।